हेलो गाइस, हम 2024 के आधे रास्ते पर हैं। इस साल हम सब ने काफी एडवेंचर भरे गेम्स, हॉरर गेम्स, ओपन वर्ल्ड, न जाने कितने सारे गेम्स का ट्रेंड देखा। इस साल काफी गेम्स का ट्रेंड चला, जैसे कमला, पाल वर्ल्ड, माइनक्राफ्ट, GTA 6 का ट्रेलर तक आ तक भी इस साल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चला। आप में से कुछ ने तो ये गेम्स खेले भी होंगे और कुछ ने नहीं भी खेले, बट इस साल गेमिंग ट्रेंड कुछ ज्यादा ही बढ़ा। अभी तो रिसेंटली में बैटल ग्राउंड गेम फ्री फायर की 7th एनिवर्सरी भी चल रही है, और साथ ही फ्री फायर खेलने वालों को ये तो पता ही होगा कि उनका फेवरेट गेम फ्री फायर इंडिया जल्दी आ रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 2024 के 10 बेस्ट गेम्स। सो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से, Prince of Persia, The Lost Crown। इस गेम में हम सबको काफी चैलेंजिंग एडवेंचर भरे मिशन देखने को मिलते हैं। Prince of Persia फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था 3 अक्टूबर 1989। बस उसी के बाद आप लोग कह सकते हो कि इस गेम की पूरी एक सीरीज बनते हुए आ रही है। मतलब इस गेम को बनाने वाली कंपनी ने काफी पार्ट बनाए इस गेम के। गेम को हम काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्ले कर सकते हैं, जैसे एंड्रॉइड, विंडो, एक्सबॉक्स वगैरह वगैरह। गेम की जो मूवमेंट स्पीड है वो काफी अच्छी है और गेम काफी स्मूथली वर्क करता है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, Banishers Ghost of New Eden। गाइज, आप लोगों में से बहुत से लोगों को न्यू गेम ट्राई करने में काफी क्रेजी फील होता है और साथ ही काफी एक्साइटमेंट भी फील होती है, बिकॉज अभी के टाइम में किसी भी बंदे को ओल्ड गेम खेलने में उतना मजा नहीं आता जितना कि न्यू गेम खेलने में आता है। बट ये जो गेम है ये ओल्ड टाइप का गेम है। आप में से किसी को भी अगर ओल्ड वीडियोस गेम्स खेलने में मजा आता है तो जरूर इस गेम को ट्राई करें। सो गेम का स्टोरी कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है। गेम में हमारा कैरेक्टर एक गोस्ट हंटर है। यस गाइस, एक गोस्ट हंटर। सो चलते अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, लाइक ए ड्रैगन इन्फिनिटी वेल्थ। ये गेम वाकई काफी मजेदार है। इस गेम में याकुजा को एक फ्रेंचाइज लेता है और वास्तव में उसे एक नई दिशा में लाता है। मुझे पता है कि पिछला गेम भी ऐसा ही था, बट इस गेम में ग्राफिक्स और एक क्लासिकल फीलिंग की वजह से ये गेम उस गेम से काफी डिफरेंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज से पहले आप लोगों ने ऐसे गेम कभी भी नहीं खेले। गेम के ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा कूल है और आप इसे आसानी से प्ले भी कर सकते हैं। गेम में आपको एक ओपन वर्ल्ड मैप भी देखने को मिलता है। सो एक बार इस गेम को जरूर ट्राई करना। बढ़ते अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, नेक्स्ट ओवरहेड नंबर 7, वी हैव पर्सोना 3 रीलोड। दिस इज ए रीमेक re-release of the original classic beloved Persona 3। Because कुछ लोगों के लिए ये वो समय है जब Persona ने रियली में एक अच्छी स्टार्टिंग की थी, लेकिन जो भी आप उसके बारे में सोचते हैं वो बहुत गंभीर है। ये स्टार्टिंग करने के लिए एक शानदार जगह है। इस गेम में रियल में कूल वाइब्स, एक डिफरेंट कंटेंट, नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स और एक बेस्ट कॉम्बैट है। गेम में बहुत सारे मेमोरेबल कैरेक्टर्स भी है जिससे गेम खेलने में और भी मजा आता है। सो जो भी अभी तक ये वीडियो बिना कोई स्किप किए हुए देख रहा है, सो मेरी तरफ से उसको बहुत ही बड़ा थैंक यू यार। मतलब अभी तक वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। और हाँ यार, अपना नाम भी मेरे को कमेंट में जरूर बताना जो अभी तक ये वीडियो देख रहा है। सो देखते अपना नेक्स्ट गेम, नंबर 6, Hades 2। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली एक्सेस गेम्स, वी आल्सो हैव Hades 2, एक अर्ली एक्सेस गेम जो कि काफी मजेदार है। गेम के जो ग्राफिक्स है और जो व्यू पॉइंट है, मतलब कैमरा व्यू पॉइंट, वो काफी अलग है। मतलब ये गेम हमें 2010 या 2012 में जो गेम बनते थे उसकी याद दिलाता है। इस गेम के बारे में मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं गेम आप लोगों को बताने वाला हूँ वो 2024 में काफी ट्रेंडिंग में है। सो चलते अपने ट्रेंडिंग गेम की तरफ, 2024 का सबसे ट्रेंडिंग गेम। यस गाइस, ये है अपना 2024 का सबसे ट्रेंडिंग पोकेमोन गेम। वैसे तो ये गेम एक सर्वाइवल गेम है, नहीं, ये एक एक्शन गेम है,
नो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस गेम की कैटेगरी क्या है। कैटेगरी को छोड़ो, ये गेम 2024 में तहलका मचा रहा है। बिकॉज इस गेम के ग्राफिक्स तो अच्छे ही है, उसके साथ ही इसके एक्शन, इसके पोकेमॉन डिजाइन, ओपन वर्ल्ड मैप और मूवमेंट और भी अच्छा है। मेरे कहने का मतलब ये गेम टोटली बेस्ट गेम है। वैसे तो ये गेम कुछ ही मंथ्स पहले रिलीज हुआ है, बट इसके आते ही पूरे गेम इंडस्ट्री में तहलका मचा हुआ है। और हाँ यार, ये एक पीसी गेम है। यस गाइस, ये एक पीसी गेम है जो कि अभी एंड्रॉइड में नहीं आया, और ये ओनली फॉर पीसी, एक्सबॉक्स और इनके लिए अवेलेबल है। सो जो भी चैनल पर न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। देखते अपना नेक्स्ट गेम। फोर्थ नंबर पे जो गेम है उसका नाम है सिन्हुआ सागा हिलब्लेड सेकेंड। अब मुझे नहीं लगता कि ये गेम पहले गेम जितना अच्छा है, बिकॉज कभी कभी इस गेम में कुछ वर्चुअल प्रॉब्लम्स भी आती रहती है। इस गेम का पार्ट सेकेंड कुछ मंथ्स पहले ही रिलीज हुआ है। वैसे गेम की जो स्टोरी है वो काफी एक फोकस्ड स्टोरी है, मतलब आपको गेम खेलते खेलते इस स्टोरी को काफी ध्यान से सुनना भी पड़ेगा और फोकस भी बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, जिससे आपको गेम खेलने में और भी मजा आता है। गेम को आप अपने मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये गेम भी एक एक्सबॉक्स या फिर पीसी वाला गेम है। गेम के बारे में मैं आपको और ज्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज आपको अगला जो गेम है, नेक्स्ट मतलब जो गेम है, वो काफी आपको बहुत पसंद आने वाला है। एक बार इस गेम को जरूर ट्राई करना। गाइस, थर्ड नंबर पे जो गेम है, ये एक गोस्ट पर बेस्ड गेम है। आई मीन हॉरर। गेम की स्टोरी तो मेरे को नहीं पता, बट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बहुत डेंजर हॉरर गेम है। बिकॉज गेम की जो स्टोरी लाइन, कैरेक्टर, ग्राफिक्स, मतलब टोटली सब चीजें काफी यूनिक तरीके से डिजाइन की गई है। और साथ ही गेम में एक ओपन वर्ल्ड मैप का फिल्टर भी आपको दिया जाता है, जो कि गेम को और भी यूनिक बनाता है। सो ये गेम 2024 का बेस्ट गेम है। अब आप मेरे को बताओ कि इन सारे गेम्स में से आपको कौन सा गेम पसंद आया। एक इम्पोर्टेंट बात और कि मैं आप लोगों को इतने ही गेम्स के बारे में बताऊंगा, बिकॉज मैंने वादा किया था कि मैं 10 गेम्स के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। बिकॉज 2 गेम्स आप लोगों को बताने हैं मेरे को। जो भी 2024 का कोई भी बेस्ट गेम बताएगा, उस व्यूअर का नाम मैं अपने अगली वीडियो में शो करूंगा, और सबको ये बताऊंगा कि इस व्यूअर ने या मेरे फ्रेंड ने हम लोगों को इस गेम के बारे में बताया है। सो गाइज, मेरे को अब ये बात जरूर बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में तो जरूर से बताना, बिकॉज इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को बहुत हार्ड वर्क लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मतलब स्क्रिप्टिंग और सारी मैंने एकदम यूनिक तरीके से सोच के रखी है, एडिटिंग, और आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना। और इस वीडियो को मैं टारगेट भी दूंगा, बिकॉज वीडियो में व्यूज़ का टारगेट 1 मिलियन दूंगा मैं, और लाइक्स का 1 लाख लाइक्स। सो प्लीज़ सपोर्ट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।